टाइपफेसेस एंड फॉन्ट। टाइपफेसेस और फॉन्ट में अंतर होता है। टाइम्स न्यू रोमन एक टाइपफेस है और जो फॉन्ट उसके अंदर आते हैं टाइम्स न्यू रोमन, जैसे उसका साइज 12 है, 13 है, 14 है, तो जो सारा कलेक्शन ऑफ साइजेस है उसे टाइपफेस कहते हैं। तो ये अलग अलग साइजेस को हम टाइपफेस कहते हैं, उसके कलेक्शन को टाइपफेस कहते हैं, और फॉन्ट होता है वो एक पर्टिकुलर साइज। तो इस वीडियो में टाइपफेस वर्ड का ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप पहले हम बात करते हैं टाइम्स न्यू रोमन की। टाइम्स न्यू रोमन इस लिस्ट का सबसे पुराना टाइपफेस है, जो कि बना था 1931 में। इसका नाम ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स जो है उसके नाम पे इसे टाइम्स न्यू रोमन रखा गया था। और इसे यूज़ होने से पहले जो टाइपफेस यूज़ हुआ करता था उस न्यूज़पेपर में, उसका नाम प्लैंटिन था, क्योंकि द टाइम्स न्यूज़पेपर 1785 में बना हुआ था। तो 1 जनवरी लगभग 235 साल पहले आया गया था ये ब्रिटिश का न्यूज़पेपर द टाइम्स। तो पहले हम इसमें प्लैंटिन यूज़ करते थे और बाद में 1931 से हम इसमें टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करने लग गए थे। तो टाइम्स न्यू रोमन एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बन गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए भी और बाकी न्यूज़पेपर्स के लिए भी। नंबर 2 पे आता है हेलवेटिका। ये एक तरीके का टाइपफेस है जिसको अपने समय में आइडेंटिटी क्राइसिस से भी जूझना पड़ा था। हेलवेटिका रिलीज हुआ था 1957 में, जिसका नाम उस समय नोए हास ग्रोटेस्क था, पर 1960 में जब किसी दूसरी कंपनी ने इसे खरीद लिया था तब इसका नाम हेलवेटिका रख दिया गया था। और हेलवेटिका इंस्पायर्ड है हेलवेशा से, जिसको लैटिन में स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलवेशा का मतलब लैटिन में स्विट्जरलैंड होता है। इस फॉन्ट को आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और जीप जिसने कंपास गाड़ी बनाई है, तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े ब्रांड में भी आप इसका इस फॉन्ट का यूज़ देख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है कॉमिक सेंस। ये एक ऐसा फॉन्ट है जो कि हर डिज़ाइनर ने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। विंसेंट कोनार ने 1995 में इस फॉन्ट का डिज़ाइन करा था। इस फॉन्ट को जब डिज़ाइन करा था माइक्रोसॉफ्ट के लिए और ये बहुत पॉपुलर हो गया था। जैसे आजकल के टाइम पे ये सोशल ऐप्स फेमस है ना, वैसे उस टाइम पे ये कॉमिक सेंस नाम का फॉन्ट बहुत फेमस हो गया था। तो 1994 में जब ये फॉन्ट पर काम चल रहा था, तो विंसेंट ने माइक्रोसॉफ्ट बॉब, जो कि उस टाइम का एक डेस्कटॉप एनहांसमेंट था, थीम भी कह सकते हैं, तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने उस माइक्रोसॉफ्ट बॉब को बनाया था, तो उस टाइम पे कॉमिक सेंस का मतलब उन्होंने कॉमिक सेंस ने जो विंसेंट थे उन्होंने प्रपोजल दिया था कि कॉमिक सेंस को अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लो, बट माइक्रोसॉफ्ट ने उसे मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने ये कॉमिक सेंस का यूज़ इसलिए करा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बॉब जो ऐप थी, डेस्कटॉप एनहांसमेंट था, उसमें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज़ किया गया था। तो उन्होंने कहा विंसेंट ने कि यार कौन सा ऐसा डॉग है जो टाइम्स न्यू रोमन में बात करता है, तो ऐसे कोई फॉन्ट बनाओ जो चाइल्डिश लगे और थोड़ा बच्चों जैसा लगे, तो जिससे कि मज़ा आए बच्चों को भी पढ़ने में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बॉब एक बच्चों के लिए बनाई गई थी, एक डेस्कटॉप एनहांसमेंट था। जब माइक्रोसॉफ्ट बॉब ने नहीं चल पाया और एक साल के बाद बंद हो गया, तो कॉमिक सेंस ने वापस कमबैक करा और विंडोज़ मूवी मेकर और वर्ड में अपनी जगह बना ली। इसके नाम कॉमिक सेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बच्चों के बीच में बहुत यूज़ होता है और उन्हीं के लिए बनाया गया था। और एक समय ऐसा आ गया था जब डिज़ाइनर 3 चीज़ों की कंप्लेन बहुत करते थे। एक तो थी एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइंस बहुत डिस्टर्ब होती थी उस टाइम। दूसरा कॉमिक सेंस फॉन्ट, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल फॉन्ट भी बन चुका था। और तीसरा जस्टिन बीबर से भी बहुत लोग थोड़ा हेट करने लग गए थे। नंबर 4 पर आता है विंगडिंग्स। ये एक वियर्ड फॉन्ट है जो कि हाथों से बनाए जाते थे डिजिटाइज्ड होने से पहले। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1919 में ख़रीद लिया था और इसका नाम विंगडिंग्स रख दिया गया था। जब इमोजीज का समय भी नहीं होता था तब विंगडिंग्स का यूज़ बहुत हुआ करता था। इसको विंगडिंग्स इसलिए कहा गया क्योंकि जब विंडोज़ ने इसे ख़रीदा, तो विंडोज़ प्लस डिंगबैट्स जिसका मतलब होता है स्टूपिड पर्सन होता है, तब इसका नाम विंगडिंग्स रखा गया था। और नंबर 5 पर आता है एरियल। यह बात है तब की जब IBM अपना पहला लेज़र ज़ेरोग्राफिक प्रिंटर्स को लाया था, तब उस समय उन्हें एक फ़ॉन्ट की ज़रूरत थी। उस समय रॉबिन निकोलस ने एरियल फ़ॉन्ट का डिज़ाइन करा था और IBM में उनका फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ था। IBM के लिए उस समय अडोबी भी अपना फ़ॉन्ट बना रहा था और IBM को देना चाह रहा था, पर एरियल को ही सेलेक्ट करा गया।
एरियल इसलिए बनाया गया था क्योंकि निकोलस को हेलवेटिका का लाइसेंस नहीं खरीदना था। बाद में जाके एरियल को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और आज एरियल आपको हर जगह दिख सकता है। एरियल का मतलब होता है विगरस और विगरस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ एनर्जी। नंबर 6 पर आता है वर्डाना। वर्जीना हाउलेट जो कि 69 ईयर्स की हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की वन ऑफ द फर्स्ट डिजाइनर में से थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किया था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए कई 3D 2D एनिमेशंस बनाई थी। उस समय में भी विंडोज बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था और आज भी है वैसे देखा जाए तो, और दुनिया में उस टाइम भी तबाही मचा रहा था जैसे आज मचा रहा है। तो कंपनी ने रियलाइज करा कि कोई एक ऐसा फॉन्ट बनाना चाहिए जो टेक्स्ट को अच्छे से दिखाए, चाहे उसे हम कम रेजोल्यूशन में भी यूज़ करें। तो 1996 में इस फॉन्ट को लाया गया और वेरदांत जिसका मतलब ग्रीन होता है, और आना जो कि हाउलेट की सबसे बड़ी बेटी का नाम था, तो उस वजह से इस टाइप फेस का नाम वरदाना रखा गया था।